नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। सहरसा ज़िले के कहरा प्रखंड में 12 पंचायतों में हुए पंचायत चुनाव की आज मतगणना है और इस वक्त हम मतगणना केंद्र पर मौजूद है। और देखिए तस्वीर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सहरसा ज़िले के कहरा प्रखंड में 29 सितंबर को हुई मतदान की मतगणना शुरू की गई है। शहर के जिला स्कूल में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जो है की गई है। मतगणना हॉल में प्रवेश करने वाले लोगों का पहले मेटल डिटेक्टर मशीन से चेक कर किया जा रहा है, उसके बाद उसे एंट्री दी जा रही है। वहीं मतगणना हॉल के बाहर जो है मेटल डिटेक्टर द्वार भी बनाया गया है, जिस होकर लोगों को मतगणना हॉल के भीतर प्रवेश करने दिया जा रहा है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। कहरा प्रखंड के 12 पंचायतों में जो है चुनाव हुई थी और उसका आज मतगणना है। और बता दें कि कहरा प्रखंड के 12 पंचायतों की मतगणना होगी, जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य की वोट की गिनती ईवीएम से होगी। वहीं सरपंच एवं पंच पद की गिनती मतपत से होगी। कहरा प्रखंड के कुल 12 पंचायत के 339 पदों के लिए 1176 प्रत्याशी के भाग का फैसला आज होने जा रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100 मीटर के एरिया में धारा 144 जो है लगा दी गई है। साथ ही साथ पूरा मतगणना हॉल परिसर जो है सीसीटीवी कैमरे से लेंस किया गया है। मतगणना, आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया जो है की जा रही है। कह सकते हैं कि जो मतगणना की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है की जा रही है। जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद इनका जायजा ले रहे हैं। पहले जिलाधिकारी कौशल कुमार क्या कुछ मीडिया को बयान दे रहे हैं? पहले हार्ट लाइन शुरू हो गई है और काफ़ी तेज गति से चल रही है और सभी एजेंट्स को घुसने की व्यवस्था की गई है। हमारे कर्मी यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी सभी हैं, सभी लोग को अच्छी सुविधा दी जा रही है और मतलब कुछ पंचायत का रिजल्ट भी अभी अनाउंस हो चुका है। तो जिस तरह से जिस स्पीड से चल रहा है हमें लगता है कि 4-5 बजे तक काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, आज समाप्त करेंगे शाम तक। तो आपने सुना जिलाधिकारी कौशल कुमार थे, जिन्होंने क्या कुछ कहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना की प्रक्रिया जो है की जा रही है और जो व्यवस्था यहां पर पुलिस प्रशासन की देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से जो है पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर जो है पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। और इस चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो है मतगणना की प्रक्रिया की जा रही है। हम तस्वीरें देखिए मतगणना के हॉल की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो मतगणना की प्रक्रिया है वो की जा रही है। कड़ी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है मतगणना हॉल में जो है की गई है।